बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, जिनका प्रदेश में बतौर सीएम 9 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 9 महीने में ही सीएम का कद इतना बढ़ गया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ वे दूसरे राज्य का मुखिया चुनने का उन्हें मौका दिया गया। कुल मिलाकर उनका सियासी कद धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। उनके इसी सियासी सफर पर हमारी ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए 9 महीने हो चुके हैं और अपने 9 महीनों के ही कार्यकाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ दूसरे राज्य का मुखिया चुन रहे हैं। बीजेपी आलाकमान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को ये जिम्मा सौंपा और पार्टी ने भी भरोसा प्रदेश के मुखिया पर ऐसे ही नहीं जताया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 9 महीनों के कार्यकाल में ही कई बड़े कारनामे करके दिखाए। इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 से हुई, जब सीएम ने मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर पार्टी को जीत दिलाई और प्रदेश के कांग्रेस का सफाया कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरे लोकसभा चुनाव में बेहद ही एक्टिव रहे और पार्टी हाईकमान ने भी उन पर एक के बाद एक कई दाव लगाए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आलाकमान ने दूसरे राज्यों का भी जिम्मा सौंप दिया और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए सीएम भी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने निकल गए और लोकसभा 2024 में कई राज्यों का दौरा किया, जमकर पार्टी के लिए प्रचार किया। 14 मई उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार, 15 मई हरियाणा के रोहतक में प्रचार, 16 मई झारखंड में चुनावी जनसभा, 17 मई उत्तर प्रदेश में भरी हुंकार, 18 मई मुंबई में चुनावी रैली, 19 मई उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभा। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसी तरह कुल 12 राज्यों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। सीएम मध्य प्रदेश में 4 चरणों में हुए लोकसभा के चुनाव में काफी सक्रिय रहे। उन्होंने हर लोकसभा क्षेत्र का एक बार से ज्यादा दौरा किया, जनसभाएं करने के साथ रोड शो भी किए, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में पार्टी की प्रचंड जीत हुई और पूरे मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो गया। एमपी में हुई इस जीत के बाद बीजेपी आलाकमान का भरोसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर और बढ़ गया और पार्टी ने दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिम्मा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर छोड़ दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां पार्टी की जीत हुई। वहीं हरियाणा के चुनाव में सीएम मोहन ने 7 जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार किया, जिसमें से 6 जगह पर पार्टी की जीत हुई और नतीजा ये रहा कि बीजेपी आलाकमान ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ विधायक दल का नेता चुनने का जिम्मा सौंप दिया। सीएम ने बकायदा वहां गृह मंत्री के साथ स्टेज साझा किया और हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी को सौंपी। 9 महीने के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी बात है कि वे देश के गृह मंत्री के साथ दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का चयन करें। हालांकि कांग्रेस इस पर तंज कसती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की लोकप्रियता और राजनीतिक कद लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में जहां भी प्रचार करने डॉक्टर मोहन यादव जी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार सफलता मिल रही है। पहले मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती, अब हरियाणा का चुनाव, आगामी दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए मुख्यमंत्री जी दिखाई देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव के नाम पर हरियाणा में जीत मिली है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि अब माननीय मोदी जी के नाम पर वोट मांगना बंद कर दो, डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम पर वोट मांगना शुरू कर दो। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के हथकंडे अपना ले, तुष्टिकरण की राजनीति कर ले, लेकिन आने वाले जो समय है, अभी हरियाणा की बात कर रहे हैं, 90 सीटों का हरियाणा था और 90 सीटों का जम्मू कश्मीर, बराबर की हार जीत, तो 1 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिली, 1 विधानसभा जहाँ हमने सरकार बना रहे, दूसरी हरियाणा को मिली, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ क्या हो गया ऐसा
जो मोहन यादव जी को इतना बढ़ चढ़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है भाजपा द्वारा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को चुनने के लिए भी हरियाणा से ही नेता आए थे और आज उन्होंने खुद हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी को सौंपी है। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहला सीएम डॉक्टर मोहन का पद बढ़ा और अब धीरे धीरे उनका सियासी कद बढ़ता चला जा रहा है। एमपी में ही नहीं दूसरे राज्यों के चुनावों में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जिसके चलते आला कमान का भरोसा उन पर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और बीजेपी हाई कमान को सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक मजबूत स्तंभ की तरह नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान संभाले हुए 9 महीने पूरे हो चुके हैं और अपने 9 महीनों के ही कार्यकाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ दूसरे राज्य का मुखिया चुन रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आलाकमान ने दूसरे राज्यों का भी जिम्मा सौंप दिया है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन के लिए सीएम भी आलाकमान के निर्देशों का पालन करने निकल गए हैं और लोकसभा 2024 में कई राज्यों का दौरा किया। उन्होंने जमकर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया, जिसके चलते आलाकमान का भरोसा उन पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बीजेपी हाईकमान को सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक मजबूत स्तंभ की तरह नजर आ रहे हैं।